हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेकअप आइडियाज ऑफिशियल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ मॉइस्चराइज़र जो अफोर्डेबल हैं, आप लोग जो हैं इजीली इनको बाय कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि अब सर्दियाँ आ रही हैं और सर्दियों में जो स्किन है बहुत ज़्यादा ड्राई होना शुरू हो जाती है, और जैसे ही स्किन ड्राई होती है पैची होना शुरू हो जाती है, डैमेज होना शुरू हो जाती है। सो स्किन को जो है मॉइस्चराइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। सबसे पहले तो मैं आपके साथ बेनिफिट शेयर करूँगी क्या क्या फ़ायदे हैं मॉइस्चराइज़र के। एक तो ये कि आपकी स्किन अगर ड्राई है पैची है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग मॉइस्चराइज़र यूज़ करें, क्योंकि आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा नीड होती है मॉइस्चराइज़र की। और दूसरा ये कि आपकी स्किन अगर ख़राब है, एक्नी है, तो उसके अगेंस्ट भी फाइट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है मॉइस्चराइज़र। जैसे कि आपकी स्किन नीट रहेगी, रोज़ आप मॉइस्चराइज़र यूज़ करेंगे स्किन को नीट रखेंगे, एक्नी बिल्कुल भी आपके फेस पे नहीं बनेगी। तीसरा जो है वो स्लो एंटी एजिंग है, लाइक आपकी स्किन पे बहुत जल्दी रिंकल्स वगैरह नहीं आते, फाइन लाइंस जो हैं वो नहीं आती। आप डेली अगर मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं स्किन को नीट रखते हैं, आपकी स्किन यंग रहती है और टाइट रहती है। सो अब मैं शेयर करने लगी हूँ कौन कौन से मॉइस्चराइज़र हैं आप लोग बाय कर सकते हैं इजीली और अफोर्डेबल प्राइस में। सबसे पहले जो मॉइस्चराइज़र मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ उसका नाम है डर्मीवी। इसके अलावा यह है जेनफॉर्म की कंपनी का है और यह है ऑयल फ्री है। यह आपकी स्किन को जो है सनरे से प्रोटेक्ट करता है। इसके अंदर 20 SPF है। इसके अलावा ये नॉन ग्रीसी है, ये बिल्कुल लाइट वेट है, इसको लगा के फील ही नहीं होता कि आप लोगों ने फेस पर कुछ लगाया है। और इसके अलावा ये है स्किन के अंदर अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाता है, और ये ऑल स्किन टाइप के लिए हर कोई इसको यूज़ कर सकता है। इसके अंदर जो है सेरामाइड है, और इसके अलावा हाइलोरिक एसिड है जो हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है और जो मॉइस्चराइज़र है उसको मेंटेन रखता है। इसके अलावा ये 100 ml की ट्यूब है, इसको इजीली आप लोग कुछ मंथ आराम से यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम लोग इनके इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसके अंदर काफ़ी अच्छे इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं जो कि एक मॉइस्चराइज़र में होने चाहिए और स्किन को अच्छे से प्रोटेक्ट करते हैं। इसके अलावा जो मेन इनमें इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें हाइलोरिक एसिड है, इसके अलावा ग्लिसरीन है जो हमारी स्किन को सॉफ्ट और स्मूथ करता है। मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है, आप लोग इसको जाके बाय कर सकते हैं। 798 इसकी प्राइस है और लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप लोग वहाँ से जाके इसको ख़रीद सकते हैं। सेकंड मॉइस्चराइज़र जो मैं शेयर कर रही हूँ वो बेसिकली जो है वैसलीन की कंपनी का है, और ये मोस्टली लोग इसको जानते भी होंगे, उसको यूज़ करते होंगे, काफ़ी अच्छे इसके रिजल्ट्स भी हैं। ये आप अपने फुल बॉडी पे भी यूज़ कर सकते हैं ऐसा मॉइस्चराइज़र। और इसके अलावा अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है देन आप अपने फेस पे यूज़ करें। इसके अलावा अगर आपकी स्किन पे एक्ने वगैरह है तब इसको यूज़ करने से अवॉइड करें। मेरे पास जो फ्लेवर है इस टाइम ये है कोकोनट फ्लेवर। ये बेसिकली जो है स्किन को सॉफ्ट करता है, इसके अलावा शाइनी करता है, और इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं पीछे मेंशन है, और ये सब इंग्रेडिएंट्स जो हैं स्किन को मॉइस्चराइज़ करते हैं, हेल्दी करते हैं। ये फुल बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र है, आप लोग इसको डेली अगर यूज़ करते हैं तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा हेल्दी और सॉफ्ट हो जाती है। इसके अलावा इसकी जो प्राइस है वो 520 है, आप लोग इसको किसी अच्छी मार्केट से भी बाय कर सकते हैं, अगर ऑनलाइन बाय करना तो वहाँ से भी आप लोग ख़रीद सकते हैं इसको। नेक्स्ट मॉइस्चराइज़र जो मैं शेयर कर रही हूँ वो सिल्की कूल की कंपनी का है, और ये फ्रूट फ्लेवर है, और इसका ये है कि ये आपकी स्किन को डीप क्लीन करता है, और ये भी काफ़ी अच्छा मॉइस्चराइज़र है। और इसके अलावा जो इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं वो ये हैं, एक्वा है, मिनरल ऑयल है, इसके अलावा जो है इसके अंदर ग्लिसरीन है, अल्कोहल है और स्टेरिक एसिड है, और दूसरे इंग्रेडिएंट्स इसके पीछे मेंशन किए गए हैं। इसके अलावा आप लोग इसको अच्छे स्टोर से बाय कर सकते हैं, और ऑनलाइन जो है ये अवेलेबल नहीं है फ़िलहाल, लेकिन जैसे ही अगर अवेलेबल हुआ तो मैं वेबसाइट आपके साथ शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाकर इसको बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है वैसलीन की पेट्रोलियम जेली। ये बहुत ही अच्छी है और बहुत से लोग इसे जानते भी हैं और यूज़ भी करते होंगे, इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं। इसके अलावा स्किन के लिए बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा स्किन को हेल्दी करती है और मॉइस्चराइज़ करती है। ये आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा रिकमेंड करूँगी कि आप लोग विंटर में इसको यूज़ करें। ये बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र है फेस के लिए भी, इसके अलावा ऑल बॉडी के लिए भी बहुत बहुत ही अच्छा है, आप लोग इसको बाय करें, और ये इतना ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। 165 इसकी ऑनलाइन प्राइस है। इसके अलावा आप लोग इसको मार्केट से भी बाय कर सकते हैं, इजीली आपको मिल जाएगी। ध्यान रखना है आप लोगों ने एक चीज़ का कि आप लोग जो वैसलीन खरीद रहे हैं क्या वो ओरिजिनल है या फिर फेक है। सो जब भी आप इसको ख़रीदें इसकी लेबलिंग वगैरह चेक कर लें, इस तरह कि इसके बैक पे मेंशन होगा सब कुछ, और फ्रंट मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया। नेक्स्ट जो मॉइस्चराइज़र मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है निविया सॉफ्ट का है। ये बेसिकली जो है क्रीम है, लेकिन हम लोग इसको एज ए मॉइस्चराइज़र भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है, बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है। इसके अलावा ये है कि स्किन को फ्रेश करता है, इसके अलावा स्किन को हेल्दी करता है, सॉफ्ट करता है। ये फेस के लिए है, बॉडी के लिए है, और इसके अलावा हैंड पे भी आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। हाईली रिकमेंडेड है, आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, और ये ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। इसकी जो प्राइस है 410 rupees है ऑनलाइन,
और इसके अलावा आराम से आप लोग इसको मार्केट से भी ख़रीद सकते हैं, इजीली आपको अवेलेबल हो जाएगी। इसके अलावा इसके पीछे जो है मेंशन किए गए हैं इसके इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं और ये इसकी लेबलिंग वगैरह है, आप लोग इसको देख लें, ये ओरिजिनल है। और इसके अलावा इस 200 ml की ये बॉटल है। नेक्स्ट जो मॉइस्चराइज़र मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये डर्मैक्सिल नेम है इसका और ये सेफ्रॉन की कंपनी का है। बेसिकली मैंने कुछ चीज़ें मंगवाई थी सेफ्रॉन की कंपनी से और उसके साथ इन लोगों ने ये मुझे सेंड किया था एज अ गिफ्ट और मैंने इसको यूज़ किया है, काफ़ी अच्छे इसके रिजल्ट्स रहे हैं। ये मॉइस्चराइज़र भी है और एज अ सनस्क्रीन भी हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर जो है 35% SPF है, ये डर्मेटोलॉजी से रिकमेंडेड है, टेस्टेड है। इसके अलावा यह है यूवी रे से प्रोटेक्ट करता है और नॉन ग्रेसी है। ये काफ़ी अच्छा मॉइस्चराइज़र है, स्किन को हेल्दी रखता है और इसके पीछे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी मेंशन किए गए हैं। इसको भी आप लोग ऑनलाइन बाय कर सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। इनकी छोटी सी पैकेजिंग में नहीं होगा, एक ट्यूब के फॉर्म में होगा। 799 rupees इसकी ऑनलाइन प्राइस है, आप इसको ख़रीद सकते हैं। मॉइस्चराइज़र यूज़ करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप लोग किसी अच्छे से फेस वॉश से अपने फेस को वॉश करेंगे, देन आप लोग इसको अप्लाई करेंगे। अच्छा, मैंने फेस वॉश की कुछ वीडियोज़ भी अपलोड की हैं, आप लोग चेक कर सकते हैं, यहाँ पे मैं मेंशन भी कर देती कार्ड में, आप लोग जाके देख सकते हैं कि कौन सा फेस वॉश आपकी स्किन के लिए बेस्ट है, देन आप लोग उसको देख के भी बाय कर सकते हैं। सो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करना, कमेंट करना मत भूलिएगा और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। सो मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।